ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले जो बोनी कपूर से माफी मांगने को मजबूर हुए थे। सतीश कौशिक, हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक कल अपना 63वां जन्मदिन मनाएंगे। वह 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में जन्मे थे। उन्होंने साल 1993 में फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। सतीश को फिल्म इंडस्ट्री में बतौर निर्देशक बोनी कपूर ने मौका दिया था। सतीश ने फिल्म के 25 साल बाद बोनी से क्यों माफी मांगी थी, जानिए इसकी वजह। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सतीश कौशिक की फिल्मों का मजा अलग ही होता है। हालांकि वे अपनी हर फिल्म में कॉमेडी भी करते नजर आते हैं, लेकिन बता दें कि उनकी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म 16 अप्रैल को 1993 को रिलीज हुई थी। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के लिए प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने सतीश कौशिक को चुना था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। बड़ी स्टार कास्ट भी फिल्म को हिट कराने में पीछे रह गई। फिल्म को बीते वर्ष 2018 में 25 साल पूरे हो गए थे। इस दिन को याद करते हुए सतीश कौशिक ने बोनी कपूर से माफी मांगी थी। सतीश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हुए बोनी से माफी मांगी थी। उन्होंने लिखा थी कि 25 साल पहले बोनी कपूर ने मुझे बतौर डायरेक्टर पहला ब्रेक फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के लिए दिया था और यह फिल्म मेरे लिए बच्चे की तरह थी, लेकिन बोनी कपूर जी से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। बता दें कि फिल्म में लीड रोल में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ थे, जो दो बिछड़े हुए भाइयों की कहानी पर आधारित थी, जिसमें वे अपने पिता के कातिलों से बदला लेने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। फिल्म को श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। श्रीदेवी ने बतौर अभिनेत्री फिल्म में भूमिका निभाई थी।